हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफू इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे इस सीरीज को बहुत पसंद किया है। और दोस्तों, यही चीजें हमें बहुत गैल्वनाइज करती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको एक लाइन दूंगा, वो है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब होता है जहां चाह है वहां राह है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, तो न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्राइम से जुड़ा पार्ट 6 है। सो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। दोस्तों, सारे के सारे वीडियोज बहुत ज्यादा जरूरी है, इन वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। इसका मतलब होता है दोस्तों, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। और सप्रेस द ट्रूथ का मतलब होता है सच को दबाना। दे हैव टेकन इंटरिम रिलीफ बाय मेकिंग डेलिबरेट डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स एंड बाय सप्रेसिंग इंपॉर्टेंट रिलेवेंट मटेरियल। उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और महत्वपूर्ण प्रशासनिक सामग्री को दबाकर अंतरिम राहत ले ली है। तो अंतरिम राहत को हम कहते हैं इंटरिम रिलीफ। और डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है सच्चाई को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। और सप्रेस का मतलब होता है सच को दबाना। सो दैट इज अ सप्रेसिंग द ट्रुथ। एंड ओके, सो दे हैव टेकन इंटरिम रिलीफ। नेक्स्ट वन इज टेम्पर विद एविडेंस। एविडेंस का मतलब होते हैं सबूत। और टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, सबूतों से छेड़छाड़। दैट इज टेम्पर विद एविडेंस। सीसीबी कॉप्स टेम्पर्ड विद एविडेंस इन बिटकॉइन केस सोसाइटी। सीसीबी पुलिस ने बिटकॉइन मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की, SIT। नेक्स्ट इज स्लैब फाइन। स्लैब फाइन का मतलब होता है जुर्माना, ठोकना। एंड बिविल्डर का मतलब होता है दोस्तों, हैरान हो जाना। सो पब इन चाइना स्लैब्स वुमन विद ₹3,400 फाइन फॉर नॉट क्रिएटिंग अ वेब ब्रांड। सोशल मीडिया यूजर्स वर लेफ्ट बिविल्डर्ड बाय द स्ट्रेंज इंसिडेंट। चीन में एक पब ने वाइब्रेंट न बनाने पर महिला पर ₹3,400 का जुर्माना लगाया। इस अजीब घटना से सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए। तो हैरान रहने को हम कहते हैं बिविल्डर, एंड बिविल्डर्ड बाय द स्ट्रेंज इंसिडेंट। नेक्स्ट इज दैट इज अ हॉट परस्यूट। इसका मतलब होता है दोस्तों, जोर शोर से पीछा करना। हॉट परस्यूट चैन स्नैचर ट्राइज टू आउटरन पुलिस इन स्वैम्प्स हेल्ड आफ्टर 3 hours ऑफ चेज। गहन पीछा, चैन स्नेचर ने दलदल में पुलिस से आगे निकलने की कोशिश की। 3 घंटे तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। सो दलदल, आपको पता है जब पानी और मिट्टी मिलके उसे दलदल बन जाती, दैट इज कॉल्ड स्वैम। और चैन स्नेचर का मतलब होता है चैन को छीनने वाले। तो जो चैन स्नेचर होते हैं, दैट इज अ चैन स्नेचर। स्नेच का मतलब होता है छीनना, और छीनने वाला क्या हो गया, स्नेचर। सो दैट इज अ चैन स्नेचर ट्राइज टू आउटरन पुलिस इन स्वैम्प हेड आफ्टर। हेड का मतलब गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना। आफ्टर 3 hours ऑफ चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। ब्लड ऊजिंग, इसका मतलब होता है खून का रिस्क कर बहना या टपकना। तो ब्लड ऊज करना। एन 8-year-old गर्ल स्टूडेंट वॉज फाउंड डेड अंडर सस्पिशियस कंडीशंस विद ब्लड ऊजिंग फ्रॉम हर माउथ। 8 वर्षीय छात्रा संदिग्ध हालत यानी दैट इज अ सस्पिशियस कंडीशन में मृत पाई गई, उसके मुंह से खून बह रहा था। नेक्स्ट इज कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है दोस्तों, जोर जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड कोअर्शन। अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ कोअर्शन, जबरदस्ती का एक जटिल मामला। सो दैट इज अ कोअर्शन। नेक्स्ट इज डिकैम। डिकैम का मतलब होता है दोस्तों, रफु चक्कर हो जाना, भाग जाना, फरार हो जाना। और नेफेरस, नेफेरियस का मतलब होता है दोस्तों, घिनौनी हरकत। सो आफ्टर दिस नेफेरियस एक्ट ही डिकैम्प्ड। इसका मतलब इस नापाक हरकत के बाद वह फरार हो गया। सो दैट इज नेफेरियस, इसका मतलब होता है घिनौनी हरकत। और डिकैम्प का मतलब होता है फरार हो जाना या रफु चक्कर हो जाना। नेक्स्ट इज इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। इसका मतलब होता है दोस्तों, चौंकाने वाले सबूत। पुलिस सीज्ड इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, पुलिस ने चौंकाने वाले सबूत जब्त किए।
नेक्स्ट इज टानसेर। टानसेर का मतलब होता है दोस्तों सिर मुंडवा देना या किसी को गंजा कर देना। सो फाइव मैन वर अरेस्टेड फॉर अलेजली टानसरिंग अ बॉय आफ्टर दे सस्पेक्टेड हिम ऑफ स्टीलिंग 100 रुपीज इन गरिमा गार्डन इन शाहिबाबाद ऑन ट्यूजडे। मंगलवार को साहिबाबाद के गरिमा गार्डन में 100 रुपए चुराने के संदेह में एक लड़के का मुंडन करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सो दैट इज अ टॉन्सलिंग का मतलब होता है सिर मुंडवाना। द नेक्स्ट इज क्रश टू डेथ, इसका मतलब होता है कुचलकर मौत होना। 5 pedestrians क्रश टू डेथ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 पैदल यात्रियों की कुचलकर मौत हो गई। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है दोस्तों पैदल चलने वाले यात्री, एंड कुचलकर मौत दैट इज अ क्रश्ड टू डेथ। नेक्स्ट इज असैसिनेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों हत्या। द 6 suspects अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द असैसिनेशन, हत्या के सिलसिले में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट इज बिगामी। बिगामी का मतलब होता है दोस्तों द्विविवाह, 2 शादियां करना। सो दैट इज कॉल्ड बिगामी। और द गुजरात हाई कोर्ट quashed a criminal complaint for domestic violence and the bigamy filed by a woman divorcee against her former husband. गुजरात उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला को हम क्या कहेंगे, divorcee woman, द्वारा अपने पूर्व पति के खिलाफ former husband दायर घरेलू हिंसा, इस घरेलू हिंसा की इंग्लिश होती है दैट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस, और द्विविवाह दैट इज अ बाइगेमी की आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। खारिज करने को कहते हैं क्वाश। One is embezzlement of funds, इसका मतलब होता है पैसों का गबन। The enforcement directorate has arrested and accused concerning the alleged embezzlement of funds of the National Highways Authority. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के धन के कथित गबन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट इज एस्पिरास केस, इसका मतलब है जासूसी का मामला। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अरेस्टेड अ कैनेडियन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन कनेक्शन विद अ एस्पिरास केस। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जासूसी मामले में भारतीय मूल के एक कनाडा निवासी को गिरफ्तार किया है। तो दैट इज अ एस्पिरास का मतलब होता है दोस्तों जासूसी का मामला एस्पिरास केस। नेक्स्ट इज पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है दोस्तों लेकर चंपत हो जाना, भाग जाना। सिक्योरिटी फर्म के 3 कर्मचारियों ने एटीएम से 58 लाख रुपए उड़ा लिए। सो 3 सिक्योरिटी फर्म स्टाफर्स पिल्फर ₹58 लाख फ्रॉम एटीएम्स। नेक्स्ट इज ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह। रशियन कोर्ट हैज जेल्ड फॉर 14 इयर्स अ टॉप साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव फॉर ट्रीजन। रूस की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में एक शीर्ष साइबर सुरक्षा कार्यकारी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट इज ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है घुसपैठ करना, अतिक्रमण करना, जबरदस्ती कहीं घुसना। वुमेन अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद ट्रेसपेसिंग एट स्पेस एक्स फैसिलिटी लुकिंग फॉर एलन मस्क। एलन मस्क की तलाश में स्पेस एक्स सुविधा में अतिक्रमण करने के आरोप में, घुसपैठ करने के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब है बर्बरता या गुंडागिरी करना। द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न अबाउट द न्यूज ऑफ द राइटिंग एंड द वैंडलिज्म अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। प्रधानमंत्री ने राज्य संस्थानों के खिलाफ दंगों और बर्बरता की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। तो चिंता व्यक्त करना दैट इज एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न, एंड वैंडलिज्म का मतलब होता है दैट इज गुंडागर्दी जिसे कहते हैं, एंड राइटिंग का मतलब होता है दंगे। नेक्स्ट इज कमिट क्राइम। कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर अ क्राइम दैट ही डिडंट कमिट, उसे उस अपराध के लिए जेल भेजा गया जो उसने किया ही नहीं। नेक्स्ट इज फॉरफिट प्रॉपर्टीज, इसका मतलब होता है दोस्तों संपत्ति जब्त कर लेना। जब्त करने की इंग्लिश होती है फॉरफिट। पुलिस इंटेंसिफाई मेजर्स टू फॉरफिट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग पुशर्स। पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। नेक्स्ट इज बुलडोजर अनलीज्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों शुरू करना। ओके, सो बुलडोजर अनलीज्ड शॉकिंग क्रैकडाउन ऑन माफिया राज इन यूपी। बुलडोजर चला यूपी में माफिया राज पर जबरदस्त कार्रवाई।
तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश गुरु। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिया एंड चियाओ।